आज की बेस्ट रेसिपी में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे मसालेदार और चटपटी स्वादिष्ट जामुन मसाला चाट। जामुन मसाला चाट बनाने के लिए हमने 300 ग्राम जामुन लिए हैं। जामुन को हमने साफ पानी से अच्छे से 2 से 3 बार वॉश कर लिया है। अब हम सारे जामुन में फोक की सहायता से इस तरह से हल्के हल्के से छेद कर देंगे ताकि जब हम जामुन में मसाला डालें तो मसाला सारे जामुन में अच्छे से चले जाए, और एक अलग बाउल में रखते जाएंगे। हमने फोग की सहायता से सारे जामुन में इस तरह से हल्के हल्के से डॉक कर दिए हैं। आप लोग अपने घर पे जब भी जामुन की चाट बनाएं इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जामुन खराब नहीं होना चाहिए और चाट बनाने के लिए ताजे जामुन होना चाहिए। अब हम सारे जामुन को बड़े बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। जामुन मसाला चाट बनाने के लिए जामुन में मसाले ऐड कर देंगे। थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच काला नमक। अब हम इसमें थोड़ी पिसी हुई चीनी डाल देंगे, अपने स्वाद अनुसार सफेद नमक। जामुन की चाट को चटपटा बनाने के लिए और हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून चाट मसाला। आप लोग जामुन की चाट बनाने के लिए अपने हिसाब से और अपनी पसंद के मसाले भी ऐड कर सकते हो। अब हम सारे मसाले को जामुन में अच्छे से मिला देंगे। हमने सारे मसाले को जामुन में अच्छे से मिला दिया है। अब हम जामुन में 1/2 नींबू का रस निचोड़ देंगे। नींबू के रस को भी जामुन में अच्छे से मिला देंगे। चाट बन गई है। अब हम इसे पुदीना पत्ती से गार्निश कर देंगे। इस तरह से मसालेदार और चटपटी जामुन की स्वादिष्ट जामुन मसाला चाट बनकर तैयार है। जामुन मसाला चाट बहुत कम सामान में झटपट से बन जाती है और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। जामुन एक ऐसा हेल्दी और टेस्टी फ्रूट है जो हमें बारिश के मौसम में ही मार्केट में मिलता है। जामुन में विटामिन B6, विटामिन ए और विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है जो हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है। यदि आप लोगों को जामुन ऐसे खाने में अच्छे नहीं लगते हो तो आप लोग इस तरह से जामुन की चाट बनाकर खा सकते हो। तो फ्रेंड्स, कैसे लगी आप लोगों को हमारी जामुन मसाला चाट बनाने की रेसिपी, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और यदि आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप भी अपने घर पर एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और हमारे तरीके से जामुन मसाला चाट बनाकर टेस्ट करिएगा। ये आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी में। धन्यवाद।